कॉर्न्स। एक्शन। वरना वो आपको दया की नजर से देखने के बजाय ना किसी और नजर से देख डालेगा। अरे कश्मीरा क्या हो क्या रहा है यार, कितना टाइम लग रहा है यार भिखारी बनने में। वो लेयर निकालिए, मुंह धो के आओ खाली यार, मेकअप मेकअप नहीं कर रहे। वो आ जाएगी मैडम यार लेके उसको, आईटी ऑफिसर को। क्या कर रही हो? आ रही हूँ बाबा। कैसी लग रही? लग रही ना भिखारी? कमाल की लग रही हो। याद है ना करना क्या है? ऐसी जोरदार एक्टिंग करनी हो आईटी ऑफिसर के सामने तो उसको लगे हमारा पूरा खानदान भिखारी, हम एकदम बड़े भिखारियों के खानदान से। समझ में आई ना? हाँ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो अगर सब सही रहा ना तो मेरे 10,000 बढ़ जाएंगे। देखना कितनी जोरदार एक्टिंग करेंगे हम लोग सब। बाबू। हाँ। जीजा। अरे जीजा देखियो मैं कैसा लग रहा। तो कुछ पहन ले तो भिखारी लगेगा। क्या बात है? वो लोग आ गए। जाओ अपनी माँ को लेकर अंदर जाओ। और कब एंट्री मारनी मैंने बताया था ना, बार बार नहीं बताऊंगा। गलत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू क्या देख रहा है? जा लेके आना मंगते। हाँ ला रहा जीजा। हमारी अंदाता आई सर। इनको दिखाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो नमस्ते। नहीं एक्चुअली इसमें इनका दोष नहीं है, इनका हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ है, दूर का नजर नहीं आता है इन्हें। जी जी जी, क्योंकि आईटी ऑफिसर भैया आए हुए हैं, इनसे दुनिया में एक ही आदमी से लोगों को डर लगता है, वो है इनकम टैक्स। और आजकल बड़ी आजकल रूट चल रही है इस चीज़ की, जीएसटी शुरू हो गया है, इनकम टैक्स। लोग सीए क्या बैठे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये महाशय आए हैं जो हमको समझाएंगे एक्चुअली कि जीटीएस होता है जीएसटी। देखिए मतलब इतना खौफ है। हमारे यहाँ रेट डालने आए हैं कि गुरु तुम बहुत नोट छाप रहे हो और ये लोग जो हैं, तो मैं कहता हूँ इस तरीके से हम छुपा रहे हैं अपना पैसा, लेकिन ये आदमी जो है बाल की खाल निकालने वाला है। बिल्कुल सही।